So tell me, Sanaj, which are the two of your weakest areas? Ma'am, lack of discipline. जैसे कभी डिसिप्लिन अगर कुछ टाइम तक बनता है तो फिर बीच में अगर ब्रेक हो जाता है कुछ भी प्रॉब्लम के कारण तो फिर उसको फिर से डिसिप्लिन लाने में ना टाइम लग जाता है बहुत ज्यादा, मतलब फिर फोकस नहीं हो पाता। तो आपका बिगेस्ट फियर क्या है सारांश यहां पे? व्हाट इज इट दैट यू एक्चुअली फियर? मैम एक तो कि मतलब मन ही नहीं करता, अंदर से आवाज आती है जैसे एक तो कि नहीं कर क्यों ऐसे, मतलब हो जाता है ना तो फिर अब ऐसे वो नहीं होता। वो आपका जो आपका थॉट प्रोसेस है वो है, ये थॉट प्रोसेस के अंदर कोई फियर छुपा है, वो फियर क्या है, क्या फियर करते हो आप? मैं नाइट में नाइट पर्सन हूं, आई एम डे पर्सन, मतलब जितनी जल्दी उठोगे उतना बेस्ट है, मतलब और मैंने कई डे पर्सन वीडियोस भी देखी है, उसमें कहते हैं जल्दी उठो, हां इट विल बी गुड फॉर योर हेल्थ एंड योर माइंडसेट। और एक तो मतलब उसके प्रोज भी है ना कि अगर उठो ना तो फिर जब आप जॉब करोगे ना, मतलब आपको एक वॉइस कहेगी अंदर से कि नहीं जाना नहीं जाना, अगर आपने उसको ब्रेक कर लिया ना, एक बार हुआ था ऐसा कि मतलब नहीं करना और बाद में कर दिया, तो वो सेटिस्फेक्शन मिलती है ना उस करने के बाद कि हाँ भाई कर लिया आज, तो फिर वो मोटिवेट करती रहती है। एक बार आपको सिर्फ एक बार करना होता है, फिर उसके बाद मेरा थोड़ा कंसिस्टेंट हो गया। आई यूज टू मतलब मेरे को रीडिंग की हैबिट डालनी थी, रीडिंग मतलब तो फिर ये जैसे ही था ना, मतलब थोड़ा थोड़ा इसमें होता है, तो रीडिंग की हैबिट डालनी थी तो फिर पहले तो यूट्यूब से थोड़ी सी जैसे आपके लेक्चर्स होते हैं यूट्यूब पे और थोड़े बहुत और तो वो देखो, तो उससे तो जैसे आपने विशाल सर ने पहले बताया था कि बेनिफिट्स मिलते हैं वो प्रोज एंड, मैंने टोनी रॉबिन्स की बुक भी पढ़ी थी ना देखो अनलिमिटेड पावर, तो उससे थोड़े थोड़े ऐसे करके। और फियर तो यही है ना कि दिमाग में ये आता है, फियर नहीं है वैसे, वो आता है कि अगर नहीं भी किया तो क्या हो जाएगा, मेरी एज कम है। तो आप करना क्यों चाहते हो? अगर आप नहीं कर पाते हो, अगर 100% पे नहीं हेल्थ, तो आपको कोई मेजर डिफरेंस नहीं पड़ रहा है अभी। जीवन जैसे है वैसे ही चल रहा है, राइट? सो यू डोंट हैव अ स्ट्रांग व्हाई टू परस्यू दैट 100% स्कोर ऑन योर हेल्थ, एम आई राइट? यस मैम, कि अगर कुछ भी नहीं हो गया अभी, बाद में बहुत लाइफ है अभी, तो फिर एक तो घर पे भी पेरेंट्स का माइंडसेट ऐसा ही नहीं है ना, मतलब थोड़ा है नहीं, तो स्टेक पे क्या है आपका? तुम्हारी बहुत एज है, देयर इज नथिंग ऑन स्टेक, राइट? अगर किया काम तो ठीक है, वॉक पे नहीं गए, ठंड लग रही, सो गए, तो भी कुछ फर्क तो नहीं पड़ रहा है, राइट? यस मैम। तो आपके लिए क्या मोटिवेशन है अभी, आप क्या मोटिवेशन रखोगे ताकि यू गो एवरी डे ब्लडी 5 o'clock एवरी मॉर्निंग? व्हाट इज योर मोटिवेशन? मतलब जब एक तो जिम जाते हैं ना, मतलब वॉक पहले जॉग करके फिर जिम, तो मतलब एक तो मेमोरी बन जाएगी, मैं एक बॉडी चाहिए एक मतलब अच्छी, लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं चाहिए ना आपको बॉडी सारांश, इतना स्ट्रांग फीलिंग नहीं आ रहा है ना उसके लिए, यू डोंट वांट इट बैडली, डू यू रियली वांट दैट बॉडी बैडली? नॉट वेरी मच, मतलब ठीक ठाक, इतना वो आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो। आपकी शादी हो गई सारांश? Ma'am, I am 19. You're 19. So that is, yes, again, ma'am. Can that be a motivation, Saransh, for you to have a great body? Ma'am, abhi college I think you must be having a lot of girlfriends already. So that, even that is not a motivation. So I want, Saransh, I want you to do this homework today. Yes, ma'am. I want you to set a strong why and something. We will speak about this in detail, guys. But one, I want to speak about it while we're still on the topic. That two things we motivate us. या तो पेन या तो प्लेजर। आपको क्या लगता है सारांश, ज्यादा क्या मोटिवेट करता है, पेन या प्लेजर? पेन ना होना, उस चीज का ना होना। यस, द पेन दैट यू गेट, आई मीन सपोज गॉड फॉरबिड, बट यू हैव बीन, यू नो, यू गो थ्रू वेरी हाई कोलेस्ट्रॉल, यू हैव टू बी एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, दैट द पेन ऑफ नॉट वर्किंग ऑन योर हेल्थ, राइट? दैट विल बी वे मोर देन द प्लेजर दैट यू गेट ऑन हैंगिंग आउट विद लॉट ऑफ गर्लफ्रेंड्स, जैसे इन लोगों ने सजेस्ट किया है, right? Yes, the pain will be more. It's okay to not hang out with a lot of girls, but the pain of being hospitalized and going through a lifestyle disease is way more than that, right? Yes, ma'am. So, aapko, for those of you, you know, just think about it, all of you, kya ye zaruri hai ki we have to experience all the pain so that we work on the area? Yeah, we can even think about those pains, feel them into our body and into our subconscious mind and start working on it right away. What do you think? Can we do that? Can we start feeling about the pain? Can we start anticipating the pain and then start working on it rather than waiting for the practical experience of going through the pain and only then realizing and then starting to work out? Yes or no? Am I making sense, guys? Yes or no? Yes, show me some love. If you guys have got some emojis, show us some love so that we know that you're getting it, right? Yes, so that is it. So, aapka pain kya hai?
Saransh? What is your pain? And guys, when I speak to Saransh, it's just not about him. It's about all of us. So a similar thing that you have been working in your area, that's the reason we speak one-on-one, so that even you get your breakthrough in that area, right? What is your pain, Saransh? That's your homework. You need to come out with that pain. You need to feel that pain and write that pain down. कि अगर yes, नहीं किया पेन तो वो तो था ना जैसे आपको एक थोड़ा छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना है मतलब मैंने प्लस 10 से प्लस 2 तक जब कोचिंग ली थी तो मतलब सिटी में गए थे तो फिर वहां पे ना सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई होती है मतलब हेल्थ पूरी नेगलेक्ट कर दी थी मैंने सिर्फ पढ़ते रहो एमबीबीएस परस्यू करने के लिए तो फिर जब बाद में आके 2 years बाद आके इधर मतलब शुरू किया था वो पता लगा कुछ हो ही नहीं रहा है मतलब पूरी बॉडी मतलब वैसे एक्सट्रीम नहीं कि थोड़ा बहुत चलना मतलब इतना में दर्द होने लग जाती है तो फिर वो फीलिंग नहीं चाहिए मेरे को फिर से ना वो हेल्पलेसनेस की थोड़ा सा चलना है और फिर उसके लिए आपको कैसी थी वो फीलिंग मतलब बता नहीं सकता ऐसा लगता है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते आगे मतलब और? इतना सा चल नहीं हो रहा फिर आगे क्या करोगे आप अभी एज भी नहीं है मतलब थोड़ा अभी इतनी आगे एज हो जाएगी तब क्या करोगे तब तो फिर कुछ होगा ही नहीं तो आप वो फीलिंग के बारे में अगर सोच रहे हो राइट नाउ जस्ट इमेजिन दैट फीलिंग तो आपको आपके बॉडी में कैसा लग रहा है डू यू फील हैवी ऑन योर शोल्डर्स डू यू फील हैवी इन योर हेड यस मैम वेयर डू यू फील हैवी यस मैम ऑफ कोर्स डू यू वांट टू लिव दैट अगेन नो मैम हाउ डज इट फील टू लिव दैट अगेन इट्स वेरी पेनफुल मतलब नो नो राइट पेनफुल एंड नो Can you remember this yes, feeling every time in the morning when your alarm goes off and when you think about skipping yes, your walk? Yes, ma'am. Can you keep relating to that pain so that you have your why of working out every single day and working on your health and you have your why on taking your health from X percentage, whatever, you, what percentage have you given to your workout, to your health? Kitna percentage diya hai, 50. So can this be a why yes, of taking this from 50 to 100? Can you yes, do this? Ma'am. Can Saransh do yes, this, ma'am. Guys? What do you think? Can he do this? Perfect. Great. You have people cheering you, Saransh. Can we have a big round of applause for him? That was a good one. Thank you for sharing, Saransh. Thank you for your integrity. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. हे गाइस अगर आप यू नो माइंडसेट के ऊपर और सीखना चाहते हैं तो हम एक्सक्लूसिव एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जिसका नाम है द अल्टीमेट ब्रेक थ्रू जहां हम आपकी बिलीव्स आपकी कंडीशनिंग और अ लॉट ऑफ टॉपिक्स एक्सप्लोर करेंगे जस्ट ऑन योर माइंड बॉडी एंड सोल तो ये जो हो रहा है प्रोग्राम वो सिर्फ ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है वो सबके लिए है तो आपको लगता है कि आपके आसपास कोई है आपके फैमिली फ्रेंड्स कॉलीग्स जिसे यू नो फायदा हो सकता है ये कॉन्वर्सेशन से आप तो देख ही रहे हो कि प्रोटो डिटॉक्स से आपको कितना फायदा हो रहा है सो इफ यू फील दैट दे विल बी बेनिफिटेड तो आप द अल्टीमेट ब्रेक थ्रू में जरूर आइए और उनको भी लेके आइए ये प्रोग्राम हो रहा है 24th February to 26th February वर्चुअल इमर्सिव एक्सपीरियंस कहते हैं उसको वर्चुअल होगा आप अपने घर में करके कंफर्ट में बैठ के देख सकते हैं सुबह 9 से शाम को 6 बजे तक करेंगे 3 दिन माइंड बॉडी सोल के हर एक एस्पेक्ट पे बात करेंगे स्पेशली आपकी बिलीव्स आपकी कंडीशनिंग और आपकी हैबिट्स के ऊपर और ये प्रोग्राम में हम मनी बैक गारंटी देते हैं वी आर सो कॉन्फिडेंट कि आपको ब्रेक थ्रू मिलेगा तो अगर आपको लगे कि एट द एंड ऑफ 3 days आपको ब्रेक थ्रू कुछ नहीं मिला है यू कैन राइट टू अस एंड विल गिव योर मनी बैक टू यू व्हाटएवर यू हैव इन्वेस्टेड विदाउट एनी क्वेश्चंस आस्क्ड तो लूज करने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है लिंक ये जो दी गई नीचे उस पर क्लिक कीजिए और द अल्टीमेट ब्रेक थ्रू में हिस्सा लीजिए और आपका ब्रेक थ्रू हासिल कीजिए